मेरे खून में रमी हुई है, भाषण मेरे लिए कभी भी सुलभ नहीं रहा। शायद आपको कविता में और अच्छा लगे, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है, ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है, और परंपरा पद्मिनी बन आके रक्तदान की है। ये जौहर की भूमि प्रतापी आन बान की है, परंपरा पद्मिनी पन्ना के रक्तदान की है, और आजादी के लिए लड़ी है ये तूफानों से, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। नगर नगर बैठे आतंकी विस्फोटक बारूद बिछाए, नगर नगर बैठे आतंकी विस्फोटक बारूद बिछाए, और लाल किला दिल्ली का सब कुछ देख रहा है शीश झुकाए। नगर नगर बैठे आतंकी विस्फोटक बारूद बिछाए, लाल किला दिल्ली का सब कुछ देख रहा है शीश झुकाए, और सदियों बाद घास की रोटी लगा रही आवाज, मां का शीश न झुकने पाए, फेंक जहां तक भाला जाए। मेवाड़ी बलिदान धधकता अरावली की आंखों में, मेवाड़ी बलिदान धधकता अरावली की आंखों में, और महाबली तक डाल न पाए इसको कभी सलाखों में। मेवाड़ी बलिदान धधकता अरावली की आंखों में, महाबली तक डाल न पाए इसको कभी सलाखों में। अब मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। श्री जी हुजूर वैसे ये कहते हैं, मेरे विषय में कुछ नहीं कहा जाए। जो अपनी आस्था और मन और पूरे समर्पण से मानव सेवा और मेवाड़ के मूल्यों की संरक्षा के लिए समर्पित हैं, अगर उनके विषय में नहीं कहा जाए तो फिर किसके विषय में कहा जाए। मेरा धर्म बनता है कविता जो है वो मूल्यों की समर्थक होती है। मैं अपने धर्म का पालन करता हूं। हर तरफ मेवाड़ का सम्मान है तुमसे, हर तरफ मेवाड़ का सम्मान है तुमसे, और सूर्यवंशी पूर्वजों की आन है तुमसे। पीढ़ियों तक यश तुम्हारा मिट न पाएगा, विश्व में मेवाड़ की पहचान है तुमसे। पीढ़ियों तक यश तुम्हारा मिट न पाएगा, विश्व में मेवाड़ की पहचान है तुमसे। अरविंद ने जमीर का सौदा नहीं किया, मैं किसी कारण से कह रहा हूं, इसका भाष्य नहीं करता क्योंकि न समय है न मेरा स्वास्थ्य गवारा करता है, और बुद्धिमानों के समाज में कविता का भाष्य करना कोई ज्यादा बढ़िया बात नहीं होती। मैं आपका ध्यान चाहूंगा। अरविंद ने जमीर का सौदा नहीं किया, और मेवाड़ के सम्मान को झुकने नहीं दिया। अवरोध लाख थे मगर इस कर्मवीर ने, ये सूर्यवंशी रश्मि रथ रुकने नहीं दिया। माताओं बहनों के लिए एक मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। तो आपका ध्यान चाहूंगा, नहीं तो रह जाएगा मतलब मेवाड़ की नारी अस्मिता के विषय में केवल एक मुक्त, मैं छोटा कर रहा हूँ इसमें, दो सेकंड की बात कहता हूँ। जब तक जीवित है वसुंधरा और जब तक गंगा में पानी है, जब तक जीवित है वसुंधरा, जब तक गंगा में पानी है, इस भारत भूमि की धरती पर जब तक कविता की वाणी है, जब तक जीवित है वसुंधरा, जब तक गंगा में पानी है, इस भारत भूमि की धरती पर जब तक कविता की वाणी है, तब तक मेवाड़ी जौहर की गाथा दोहराई जाएगी। ये ज्वालाओं से लिखी हुई अविनाशी अमित निशानी है, ये ज्वालाओं से लिखी हुई अविनाशी अमित निशानी है। आपने देखा मैं वहां बैठा था, युवराज जी आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे ही नहीं, मैंने ये देखा, मेरा ये मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि मेवाड़ का भावी भविष्य सर्वथा सुरक्षित है। और मैंने
बड़े हुजूर से लेकर के तीन पीढ़ियां देखी हैं, जो आपने समर्पण की भावना है, जो एक डेडिकेट, जो विनम्रता के साथ साथ जो कर्तव्य निष्ठा की भावना है, मैं एक मुक्तक जरूर पढ़ना चाहूंगा। आपने मेवाड़ को दिल में बसाया है, आपने मेवाड़ को दिल में बसाया है, एक नए निर्माण का सपना सजाया है, आप इस मेवाड़ की भावी इबारत हैं, आपने हर कौम का सम्मान पाया है, आपने हर कौम का, मैंने किसी कारण से लिखा है। जो यहां अंतिम रूप से चार पंक्तियां पढ़ता हूं, जो यहां विश्व भर की मनीषा यहां कृपा करके यहां पधारी है, मैं किसी कारण से अंतिम रूप से वो चार पंक्तियां आपको सादर भेंट करता हूं, आसन को भेंट करता हूं, आप सबको भेंट करता हूं। आप पधारे बलिदानी भू का सम्मान बढ़ा, आपका ध्यान भी चाहूंगा, उतना स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, फिर भी प्रयास करता हूं। आप पधारे बलिदानी भू का सम्मान बढ़ा और मीरा पद्मिनी पन्ना की धरती का मान बढ़ा, आप पधारे बलिदानी भू का सम्मान बढ़ा, मीरा पद्मिनी पन्ना की धरती का मान बढ़ा। युग दृष्टा भगवत श्री के सपने जीवंत हुए और प्रण विजयी अरविंद आज फिर महिमावंत हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन।